कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक गांव वालों को भोज नहीं कराते तब तक ये लोग इस शादी को शादी तो मानेंगे नहीं, और पूरे गांव को भोज कराने के लिए तो कितने पैसे लग जाएंगे, कहां से आएंगे इतने पैसे? देखो गिरिजा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भोज ही कराना है ना, करा देंगे। क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार कहा है मटके का ठंडा पानी मत पिया करो, रुको मैं पानी लाई। पानी पियो। जगत जा, अब विमल भाई साहब को जाके जल्दी से बुला के ला। ठीक है माँ, जल्दी जा। नवल क्या हुआ? चाचा। अरे कौन है रे? बापू साहब की तबीयत खराब हो गई चाचा, चलो ना चाचा। तेरी माँ को जो कुछ करना है ना वो खुद कर लेगी, मेरे को छोड़ दो। चाचा, मौसी। कहीं है? क्यों इतनी रात में शोर मचा रहे हैं? बापू साहब की तबीयत खराब हो गई है, चलिए ना, देखिए ना क्या हुआ है। तेरा के दिमाग खराब हो गया है के? आज तक कोई थारे घर में आया हो जो अब मैं आऊंगी? जाए ऐसे। मौसी, चल। मौसी। क्या हुआ बापू साहब? भाई मुझे तो चिंता हो रही है इस बच्चे की। अब ये नवल तो मर गया, पर ये बच्चा तो अब हमेशा के लिए नाजायज की औलाद नहीं कहलाएगा। चलो भाई, चलो चार लोग कंधा दे दो भाई। जब तक गांव वालों को भोज नहीं मिल जाता तब तक इस शादी को यहाँ कोई नहीं मानता। भोज तो करवाया नहीं किसी को, पर हाँ जोश ही जोश में वो काम जरूर कर गए जो सबके बाद में आता है, बच्चा। अरे बद्री जी, पुरानी बातों को भूल जाओ। अरे तेज रात खड़ा क्या है? चल रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, और तब तक हाथ नहीं लगाएगा जब तक पूरे गांव को भोज ना करा दूं। ये मेरे बच्चे नाजायज नहीं है, मेरा बच्चा है। इस चिंता को आग तब लगेगी जब मेरे बच्चे को उसका हक मिलेगा। पर गिरजा देख, चलो यहाँ से, कोई नहीं चाहिए। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। गिरिजा और नवल की शादी राजस्थान के बरौली गांव में एक छोटे से मंदिर में हुई थी, लेकिन गांव की एक रस्म के मुताबिक इस शादी को तब तक सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती थी जब तक पूरे गांव को भोज ना करवाया जाए। गिरिजा और नवल की माली हालत खराब होने की वजह से वो शादी के बाद गांव का भोज नहीं करवा सके, और इसी वजह से गांव में उनका ये रिश्ता और बच्चा नाजायज माना जाने लगा। गिरिजा की हिम्मत और जज्बा काबिले तारीफ था। नवल के अंतिम संस्कार के साथ शायद गिरिजा को नवल की विधवा कहलाने और अपने बच्चे को जायज कहलाने के हक की भी आहुति देनी पड़ती, इसलिए उसने फैसला किया नवल के मृत शरीर के साथ सामाजिक शादी करके पूरे गांव को भोज खिलाने का। आखिर कैसी रस्म थी जिसमें दो इंसानों के रिश्ते की पहचान पूरे गांव को एक वक्त का भोज खिलाने पर टिकी हुई थी। थोड़ी सी घास ले लो। मुझे नहीं चाहिए आपका घास। थोड़ी सी ले लो भाई साहब। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ।
थारे ताने अंडे कोई काम धंधो खोले भागड़ा सुन दोबारा मत आज काम मांगवा निकल यहां से। कैसी हो गिरिजा? शिवराम बता रहा था कि तुम काम ढूंढ रही हो। देखो गिरिजा, मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता ही नहीं, उनका निवारण भी है मेरे पास। बस एक छोटी सी शर्त है। क्या मतलब? शर्त ये कि तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे वही कह रहा हूँ जो तुम समझ रही हो। हैं? सुहागन तुम्हें बनना है और सुहागरात मुझे मनानी है। चलता हूँ गिरिजा। से लगाए बिना बाहर जाती नहीं हो। जिस सिंदूर की इज्जत तुम्हारे जीते जी किसी ने नहीं की, सिंदूर की इज्जत मैं तुम्हारे जाने के बाद जरूर कराऊंगी। मैं वादा करती हूं पूरा गांव हमारी शादी को मानेगा, जरूर मानेगा। आ भाइयों, आओ आ देखते इसको। ए गिरिजा, ए गिरिजा, ये सब नहीं चलेगा। ये नवल की लाश जुगड़ी है ना, निकाल दे और इसको फूंक दे, समझ में आया? हम हमारा धर्म बर्बाद नहीं होने देंगे। और याद रख, अगली बार हम आएंगे ना, तुझे और तेरे बच्चे और तेरे पति को फूंक देंगे। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, भोज ही कराना है ना, करा देंगे। जब तक गांव वालों को भोज नहीं मिल जाता तब तक इस शादी को यहाँ कोई नहीं मानता। ये बच्चा तो अब हमेशा के लिए नाजायज की औलाद ही कहलाएगा। रात में मुझे 50,000 रुपए चाहिए। ₹25,000 आपने तो 50 कहे थे। तो मैं कब मना कर रहा हूं? इन पैसों से पहले तुम शादी कर लो, कल तुम सुहागन बनोगी, हर सुहागरात हम मनाएंगे, फिर ले जाना बाकी के 25,000 रुपए भोज के लिए। Thank you.
गिरजा, तुमने गिरजा बाबूसा, रास्ता दीजिए, रास्ता रास्ता दीजिए, रास्ता रास्ता। हम रूम के अंदर आए सर, तो देखे बापूसा नहीं रहे। साहब जैसे ही ये सब हुआ, हमने जैम्बे हॉस्पिटल फोन करके डॉक्टर साहब को बुलवाया। उन्होंने ही आने के बाद बताया कि अब बापूसा नहीं रहे। वो ये भी कह रहे थे कि किसी ने उनको जहर दिया है। किसी पे कोई शक? शक? हमें पूरा यकीन है सर, नवल की बीवी गिरजा का करा कराया ये सब। ये सब करके भागते हुए देखा था हमने उसको यहाँ से। अली पहले नवल को खा गई, अब बापूसा को भी नहीं छोड़ा। बापूसा को इन चीजों का शौक था। किन चीजों? औरतें उनकी कमजोरी थी। उस चुड़ैल ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया है। दो मौतें और दोनों की चश्मदीद सिर्फ गिरजा। अब तक गिरजा का व्यक्तित्व एक किस्मत की मारी अबला की तरह सामने आया था, जो मानसिक, शारीरिक और हर तरह से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन पुरुषोत्तम के बयान ने पुलिस के शक की सुई गिरजा की ओर मोड़ दी। क्या गिरजा सच में किस्मत की मारी एक अभागन थी, जो नवल के साथ अपने रिश्ते और अपने बच्चे को पहचान देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, यहां तक कि मुर्दे के साथ भी शादी करने को तैयार थी? या फिर यह सब उसी की रचाई हुई कोई साजिश थी? सुनीता दी, विमल भाई सा घर पर है क्या? उनको जरा घर भेजना ना, मैं आज उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रही हूँ। दिमाग फिर को नहीं गया मारो, जो मारा मर्दाने थारी नजर चढ़ावा दू। बस 5 मिनट के लिए भेज लो। चल तो थारा काम कर जा, बस 5 मिनट काम करवा दे। अब तुम्हें 4 कंधे तलाशने की कोई जरूरत नहीं है गिरजा, क्योंकि लाश अब शमशान नहीं, जांच के लिए हमारे साथ जाएगी। कुछ सवालों का जवाब भी चाहिए हमें तुमसे, ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब ये सच है कि मेरे और बद्री के बीच में ऐसे संबंध थे, लेकिन ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया साहब, ताकि उसे कोई नाजायज ना कहे। मैं तो बस नवल से शादी करके गांव वालों को भोज खिलाने के लिए जो पैसे लगने वाले हैं उसके इंतजाम में लगी थी साहब। इसी बीच मुझे बद्री ने कहा कि वो मुझे पैसे दे सकता है, बस मैंने उसे नहीं मारा साहब। अच्छा चलो गिरजा, हम तुम्हारी इस कहानी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पति नवल और बद्री के मौत के बीच में इतनी समानता कैसे? साहब उस दिन हमारे शादी की सालगिरह थी, नवल काम से घर पर आया, जगत के साथ खेल रहा था। जगत, पानी पियो। जगत 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 जा, विमल भाई साहब को जाके जल्दी जल्दी से बुला के ला। ठीक है, जल्दी जा। देखो गिरजा, अभी तो हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन अगर एक भी सबूत तुम्हारे खिलाफ मिला तो तुम्हें फिर यहां आना पड़ेगा।
सर, बद्री के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हार्ट अटैक से पहले उसके शरीर में हुई ऑक्सीजन की कमी किसी जहर की वजह से हुई थी। जहर? यस सर, आर्सेनिक यानी कि सांख्या। इस जहर की वजह से शरीर में तेजी से ऑक्सीजन की कमी होती है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि मरते वक्त बद्री ने काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरजा ने ही वो जहर शराब में डालकर उसे दिया हो? एक काम करो, नवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्पेशली चेक करने को कहो, पता करो ये जहर उसकी बॉडी में भी था या नहीं। सर, तब तक गिरजा को अरेस्ट कर उससे अच्छे से पूछताछ करें। नहीं जाहिर, गिरजा एक अनपढ़ औरत है। अगर किसी विक्टिम को मारने के लिए ऐसा जहर इस्तेमाल हुआ है जो इतना रेयर है, तो जरूर उसके पीछे उसके साथ कोई ना कोई है। इस रणनीति को बना के देने वाला दिमाग हो सकता है कहीं और बैठा हो। अगर हम गिरजा को गिरफ्तार ना करें तो हो सकता है उस शख्स तक हम पहुंच जाएं। एक काम करो, अपने कुछ आदमियों को प्लेन कपड़ों में गिरजा के घर के आसपास तैनात करो। पता करो वो कहां जाती है, किससे मिलती है, ये सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, देख गिरजा, गांव वाले नहीं मानेंगे जब तक उनके पेट में भोज का खाना नहीं पहुंचेगा, तेरा पति अर्थी तक नहीं पहुंचेगा। पर तू दिल छोटा ना कर, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे पैसे दूंगा गांव वालों को भोज कराने के लिए, पर हां, इसके बदले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तुझे फिर से एक बार ब्याह करना पड़ेगा बद्री से। मैं ये सब नहीं करूंगी। अरे अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का तो सोच। देख, ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, वैसे भी वो लोग तेरे को सती सावित्री नहीं समझते, समझ रही है? सबको समझाऊंगा, बताऊंगा उन्हें कि बद्री ने तेरे साथ ब्याह किया था, समझ रही है ना? हाँ, अब तेरी मर्जी। सरपंच जी, बद्री ने मुझे बताया था कि वो गिरजा को बहुत चाहता है, और बद्री और गिरजा के संबंध कैसे थे ये पूरा गांव जानता है। अगर सरपंच जी मेरी गवाही से काम न चले तो मेरे पास पेश करने के लिए सबूत भी है। मुखिया जी, सबूत है तो सबूत पेश करो। हाँ, ये लीजिए। मुखिया जी, इन फोटो को देखने से पता चलता है कि बद्री और गिरजा के बीच में गहरे संबंध थे, और हमारी तो राय यह है बद्री और गिरजा की शादी करा देनी चाहिए। क्यों भाइयों, आप सब लोग सहमत हो? जय हो। सर, जिस जहर के बारे में आपने हमें बताया था, उस जहर के ट्रेसेस बॉडी से कभी जाते नहीं। सर, इस बॉडी का हमने क्लोजली इंस्पेक्शन करा है, और इस बॉडी के पालों और नाखूनों से हमें आर्सेनिक के ट्रेसेस मिले हैं। व्हाट? सर, क्या बात है भाई? सर, गांव से मनीष का कॉल आया था, उसने कहा कि गांव में गिरजा की शादी बद्री की लाश से होने वाली। व्हाट? राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। और पियो, जो काम हो रही है वो गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रहा है। राम नाम, राम नाम, बिल्कुल ठीक है। राम नाम, आज नहीं छोड़ेंगे। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। पुरुषोत्तम, आरती ने नीचे रख, ये पंचायत का हुक्म है, बद्री और गिरजा का ब्याह होएगा। आरती उठ चुकी है, वापस जमीन पर नहीं रखी जा सकती। अरे कैसे नहीं रखी जा सकती, सारे गांव को पता है कि बद्री और गिरजा का संबंध था। अब गिरजा बद्री से ब्याह करके अपना कलंक धोना चाहती है, और जय पंचायत का हुक्म भी है। अरे ये उस गिरजा की चाल है, बापू साह की संपत्ति हड़पना चाहती है वो। देखिए, हम शमशान जा रहे हैं, हमारा रास्ता मत रोकिए। जय बात है तेजराज, ऐसे नहीं मानेगो। पंचायत का हुक्म है और हम हुक्म मनवा के आएंगे। चलो जाओ। अरे लेकिन मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा।
गिरजा! तेजराज, बद्री के हाथ से गिरजा के मांग में सिंदूर पड़वा। एक पुरुषोत्तम, मुखिया का धर्म होता है गांव की मर्यादा का पालन करना, और मैं अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। मैं पंचायत से कहकर बद्री की संपत्ति के दो बराबर हिस्से करवाऊंगा, आधा हिस्सा तुम्हारा और बाकी का आधा हिस्सा गिरजा का। अरे अब जो भी करना है मुखिया जी कर लो, मैं भी चुप बैठने वाला नहीं। इसका फैसला आप कोर्ट में होगा, और एक बात याद रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ, क्या मामला है ये? और हां पुरुषोत्तम, तुम अपने पिता का शव ले जा सकते हो संस्कार के लिए। जी सर। देखो दरोगा जी, ये हमारे गांव का मामला है, आप बीच में ना पड़ो। मुखिया जी, कानून का मामला है ये, अब आप हमें बताएंगे कि हमें कहां पढ़ना चाहिए और कहां नहीं? इन्वेस्टिगेशन शुरू है, खूनी की तलाश है। खूनी की तलाश? बद्री का खून हुआ था क्या? हाँ, और बहुत जल्द पता चल जाएगा किसने किया। इस गांव में रिश्तों और प्रथाओं के नाम पर एक घिनौना मजाक चल रहा था। गिरजा की शादी फिर से एक मृत व्यक्ति के साथ होने वाली थी, और इस शादी के बदले में जो सौदा गिरजा के साथ किया गया था, वो सौदा था लोभ और लालच का। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह था कि नवल और बद्री के शरीर में ये जहर आया कैसे। सबके पीछे मुखिया और गिरजा का हाथ है। बापू साहब जमींदार थे हमारे, बहुत पैसा था उनके पास, सबकी नजर उनके पैसे पे थी। ये मुखिया की चाल है सर, उसने गिरजा का इस्तेमाल करके उसकी मदद से हमारे बापू साहब को मार डाला। चल भाई, सीधा लेके जा। हाँ, एक एक इंच नापनी है, इधर सुधार नहीं होना चाहिए। रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा। 60 मीटर। ठीक सर, ठीक सर, आ जा। इतनी भी क्या जल्दी है मुखिया जी, बहुत जमीन है बद्री की, लपेटने में थोड़ा टाइम तो लीजिए। क्या बात है? ले चलो। आई आई। अरे अरे, क्या बात है साथ? अरे, अरे बताओ तो सही। सांख्या तो आपको पता होगा। सब मारा विश्वास करो, मैं किसी ने कोनी मारे। आप तो ऐसे घबराए हुए हैं जैसे आपको किसी ने हॉट सीट पर बिठा दिया हो। मैंने आपसे एक आसान सा सवाल पूछा था, जिसका एक आसान सा जवाब देना था। खैर, फिलहाल तो आपकी हालत ऐसी हो रही है जैसे चोर की चोरी पकड़े जाने के बाद होती है। माजरा क्या है? साहब मैं बोले ना कि मारा विश्वास करो, मैं किसी ने को नहीं मारा साहब। ये पुरुषोत्तम मने फंसा रहा है साहब। अरे जीते जी तो बद्री से उसकी कोनी बनी, और मरने के बाद मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है साहब। पुरुषोत्तम ने डर था कि बद्री सारे पैसे लुटा देगा। देखो साहब, मैं तो गांव का मुखिया होने के नाते गिरजा की मदद कर रहा था, उसकी मदद की है मैंने, गिरजा को उसका हक दिलाया साहब मैंने। सर, मैंने गांव के लोगों से पूछताछ की, कुछ अंदर की खबर मिली है। कैसी खबर? सर, बद्री और इस श्रीराम में बनती नहीं थी, वो गांव का जमींदार था तो ये गांव का मुखिया, दोनों के बीच अहम की लड़ाई थी। कुछ लोगों ने बताया कि बद्री पैसे के बलबूते पर खुद मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता था। मुखिया को तो कई तरह से खतरा था बद्री से। इस पुरुषोत्तम के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, अपने पिता की रंगीन मिजाजी से बहुत परेशान था, उसने कई बार उनको समझाया लेकिन बद्री ने उसकी सुनी नहीं। नवल की मौत से गिरजा और मुखिया को तो फायदा है, पर पुरुषोत्तम को नहीं, लेकिन बद्री की मौत से इन तीनों का फायदा है।
अपने आदमियों से कहो इन तीनों पर कड़ी निगरानी रखें, सादे कपड़ों में। तब तक हम एक काम करते हैं, पुरुषोत्तम और श्रीराम इन दोनों के घरों को तलाशते हैं। अगर इनमें से किसी ने भी उस जहर का इस्तेमाल उस मर्डर को प्लान करने में से किया है तो हो सकता है हमें वो जगह मिल जाए जहां उस जहर के ट्रेसेस हों। ये लग गया अंगूठा तेरा पेपर पे, अब हो गया पक्का काम। चले, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, हमारे बीच में जो भी तय हुआ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? जगत आ जा यहाँ, आ जा। हाँ माँ। हाँ भोजन तैयार है, तू जाकर सबको बुला ला। हाँ जा जा जा, भाग। चाची क्या? भोज तैयार हो गया चाची, माँ बुला रही है। थारे घर को भोज खार मरना है के? जा हटे से। चाचा। हाँ बोल। भोज तैयार हो गया, माँ ने खाने के लिए बुलाया। क्या दिमाग खराब है क्या? पहले तो तेरी माँ तेरे बापू को खा गई, बद्री जागीरदार को खा गई, अब क्या पूरे गांव को भी खाएगी क्या? भाग यहाँ से, दोबारा आ गया तो टांग तोड़ दूंगा। क्या हुआ जगत? सब कहाँ है जगत? सब बोले अपने बापू साहब को मार दिया, भद्री चाचा को भी मार दिया, उन्होंने मुझे भगा दिया उनके घर से। बच्चा वो लोग मुझे बोले ना, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आजा आजा मैं तुझे खिला दूँ। आजा। नहीं खाना मुझे, खाना तुम खा लो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। लेकिन देखो आप लोग। अरे डब्बा क्या? ये बापू साहब का कुछ सामान है, निकालो इसे। ये क्या? सर ये पान डिब्बा है, इसमें वो अपने पान रखा करते थे और ये हमेशा उन्हीं के साथ रहता था। अभी हमारे पास रहेगा। जी वैसे ये पान मंगवाते कहाँ से थे तुम्हारे बापू साहब? जी वो चौराहे पे तेजराज की दुकान है, पान अच्छा बनाता है वो, उसका पान उन्हें पसंद था वहीं से मंगवाते थे। ठीक है दाई चलो, ये ले आओ सामान। से बंद है। एक काम करो साहिब, दरवाजा तोड़ो। इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है, जरूर इसे भी जहर देके मारा गया होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। मैंने आसपास के कुछ पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ लोगों ने बताया कि तेजराज मुखिया को किराया देने निकला था। किस बात का किराया? सर तेजराज जिस जगह अपनी दुकान चलाता था वो जगह मुखिया की है, उसी ने उसे वो दुकान खुलवा कर दी थी। सब सब मारो, विश्वास करो साहब, मैं कभी कोई नहीं मारे साहब, मरे मत मार, मरे मत मारो साहब। तेजराज को तेरे भूत ने मारा? कहां से लाया था वो जहर तू, जो तूने तेजराज को पान में लगाने के लिए कहा था?
और जब तुझे ये पता चला कि हमें मालूम हो गया है कि बद्री का खून हुआ है तो तेजराज को ही ठिकाने लगा दिया ताकि तेरा ये राज उसकी मौत के साथ दफन हो जाए। साहब मारा विश्वास करो साहब, मैं किसी ने कोई जहर को नहीं दिया साहब, और ना ही किसी को मारने के पीछे मारा कोई हाथ है साहब। ये बात मैंने जरूर पता थी साहब कि तेजराज ही बद्री ने पान खिलाया करता था, और साहब मैंने बिल्कुल भी बताया को नहीं, कुछ भी बताने साहब जी कि वो जहर तेजराज ने कहाँ से मिला और किसके कहने पर उसने बद्री को जहर दिया साहब, मैंने कोई नहीं पता था। हमने तेरे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, तूने सुबह सुबह तेजराज को कॉल किया था ना, क्या बात की थी उससे, क्या बात की थी उससे? साहब तेजराज ने पूरे गांव की खबर रहती थी साहब, मैंने उसे फोन किया था साहब ये जानने के लिए कि गांव में कोई नई खबर है या नहीं साहब। साहब उसने मुझे बताया कि इस सब के पीछे वो गिरजा का हाथ है साहब। मुखिया देख, अब किसी और नई कहानी के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, समझा? सब कहानी नहीं है साहब, बिल्कुल सच कह रहे हो साहब। उसने मैंने बताया उस रात नवल, वो नवल जिस रात मारा वो पान लेकर गया था तेजराज की दुकान से। और तेजराज भाई एक हमारा वाला पान बनाना। ये क्या है? अरे भाई इसमें कैद है पलंग तोड़ पान। पलंग तोड़ पान? साला शादी की सालगिरह आज मेरी है और मैं इतना थक चुका हूँ कि एक ढेला भी नहीं ला सकता। अरे तो इसे ले जाओ ना यार, वैसे तोहफा है भाभी जी का, पर काम तुम्हारे आएगा। लेकिन तुमने तो किसी और के लिए बनाया होगा। अरे वो बद्री जी के लिए बनाया था, तुम ले जाओ मैं देख लूंगा। ठीक है तेजराज। और साहब उसी रात नवल मर गया, और हाँ फिर दूसरे दिन उसकी बीबी वो पान का डब्बा भी दे आई साहब। डब्बे से जहर के ट्रेसेस तो मिले ही थे। एक काम करो भाई, एक टीम को साथ ले जाओ और गिरजा को फौरन थाने ले आओ, वक्त आ गया उसके पेट से भी राज बाहर निकाले जाए। और हाँ श्री राम को तब तक बिल्कुल मत छोड़ना। जी तुमको हमारे साथ चलना होगा। जो भी पूछना है यही पूछ लीजिए ना, मेरा बच्चा अकेला है यहाँ पर, वो डर जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे बच्चे की देखभाल हम तुमसे बेहतर कर सकते हैं। चलो हाँ साहब, उस दिन नवल पान लेकर तो आए थे। देखो आज मैं क्या लेके आया। क्या है? पान। आज हमारी शादी की सालगिरह है तो मैंने सोचा क्यों ना पान खा के शुरू की जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से पान खिलाओ। पानी पियो जगत। नवल 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 नवल। पति की मौत हुई थी, कुछ दिन तो शोक मना ही सकती थी, फिर ये पान का डब्बा वापस करने का ख्याल कहां से आया? सब गांव से कोई भी हमारे घर पे आता जाता नहीं था, सब हमारे बच्चे को नाजायज कहते थे। हमने क्या क्या दिन देखे हैं बस हम लोगों को पता है साहब, इसीलिए मैंने तुरंत उस डिब्बे को पान वाले के पास दे आई। जाहिद श्रीराम और गिरजा की कहानियां जरूर अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, तेजराज पनवाड़ी। ये जरूर दोनों हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, नहीं चाहते कि हम तेजराज तक पहुंचे ताकि इस मौत के रास्ते पर्दा पड़ा रहे। सर ये तेजराज के यहाँ जितने लोग पान खाने वाले आते हैं अगर उन सबसे पूछताछ की जाए तो? ग्रेट आइडिया, एक एक से पूछताछ करते हैं कि नवल और बद्री के साथ जो कुछ भी हुआ ऐसा पहले भी कुछ हुआ है या नहीं।
तक का सबसे बेस्ट पेन किलर है। इसे चाहें तो आप कस्टमर्स को लिख सकते हैं। क्यों पुरुषोत्तम, अपने लिए इस दवा की कितनी डोज इस्तेमाल की तूने? क्या हुआ सर? नहीं वो क्या है ना, अपने बाप के मरने पर काफी दर्द हुआ होगा तुझे, दर्द कम करने के काम आई होगी ये दवा। क्या कह रहे हैं सर ये? कोई बात नहीं पुरुषोत्तम, तू हमारे साथ चल। बस अब और नाटक नहीं। तेरे घर से मिले डब्बे में हमें जहर भी मिला है, और जब हमने ये पता किया कि ऐसे डब्बे कौन बनाता है, हमें कोई नहीं मिला। शक तो तेरे ऊपर हमें पहले दिन से ही था, फिर हमने पता किया तेरी कंपनी के बारे में। ये डब्बा आपको कहां से मिला? ये डब्बा हमने अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट किया है। तुझे तो अपने बाप को रास्ते से हटाना ही था, तो तूने वो डब्बा अपने बाप को गिफ्ट में दे दिया, और साथ में डब्बे के अंदर दी उन्हें मौत। और फिर वो डब्बा जा पहुंचा तेजराज की दुकान पे, जहां वो तेरे बाप के लिए पलंग तोड़ पान बनाने वाला था। उसी रात अचानक नवल जा पहुंचा उस पान की दुकान पे। मरना तेरे बाप को था, लेकिन तेरे इस डब्बे के चक्कर में मर गया बेचारा नवल। और उसके बाद तूने थोड़ा वक्त लिया, सही मौका देख अपने बाप का काम तमाम कर दिया। तुझे पता था कि गिरिजा को आसानी से बलि का बकरा बनाया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी। बापू साहब बापू साहब, कानून तो तुझे तेरे किए की सजा देगा ही, पर उन सारे पापों का क्या होगा जो तेरी वजह से किसी बेकसूर ने सहे? आखिरकार सच सामने आया, गिरिजा के पति की लाश को उसके बेटे ने आग दी, और इस सब में गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। पुरुषोत्तम और मुखिया अपने किए की सजा जेल की सलाखों के पीछे काट रहे हैं। मनुष्य ने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए समाज की रचना की, और इस समाज को चलाने के लिए उसने कुछ नियमों को बनाया। ये सभी कुछ ये सोचकर किया गया था कि मनुष्य खुशहाल जिंदगी जी सके, एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। लेकिन वक्त के साथ कुछ लोगों ने इन नियमों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, और एक दूसरे के दुख का कारण बन गए। इस केस में पूरा गांव एक परंपरा को लेकर गलत धारणा बना चुका था, भोज, यानी कि लोगों को शादी के बाद खाना खिलाने की परंपरा। और यह परंपरा इस गांव के लिए एक हथकंडा बन चुकी थी, उन लोगों को परेशान करने के लिए जिनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पूरे गांव का भोज करवा सके। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उनके रिश्ते को अवैध बताया जाता था, जबकि ये सरासर गलत है। पुरुषोत्तम लालच के मारे अपने ही पिता को मारने की ठान चुका था, और उसे पता था कि इस सब में गिरिजा को फंसाकर अपने आप को कानून के फंदे से दूर रखना उसके लिए आसान होगा। पर शायद वो ये भूल गया था कि क्राइम नेवर पेस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।